गुजरात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए अहमदाबाद के कर्णावती इलाके में एक मॉल में पठान फिल्म के पोस्टर नष्ट कर दिए। उन्होंने थिएटर मालिकों को फिल्म न दिखाने की धमकी दी है। ये वीडियो गुजरात बजरंग दल ट्विटर हैंडल द्वारा साझा किया गया है। उत्तराखंड के जोशीमठ में धंस रही है जमीन। 500 से ज्यादा घरों में आई दरारें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थिति का जायजा लेने और आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए जल्द ही जोशीमठ का दौरा करेंगे। उत्तराखंड जोशीमठ में जमीन धंसने और कई मकानों में दरारें आने को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर बद्रीनाथ हाईवे को जाम कर दिया। बरेली में शख्स ने बेटी के साथ किया कथित दुष्कर्म। पिता और सौतेली मां गिरफ्तार। एयर इंडिया विमान में महिला पर पेशाब करने वाले को तलाश रही दिल्ली पुलिस। मुंबई का रहने वाला है आरोपी। कर्नाटक चिंचनूर में तड़के पेड़ से टकराया श्रद्धालुओं से भरा वाहन। 6 की मौत। पुलिस का कहना है कि श्रद्धालुओं का ये समूह बेलगावी के हुलकुंड गांव से सवादती के यालमा मंदिर जा रहा था। रास्ते में ही ड्राइवर से गाड़ी का नियंत्रण छूट गया। पश्चिम बंगाल बीच बचाव करने गए तृणमूल नेता की हत्या। म्यूजिक के शोर को लेकर विवाद शांत कराना पड़ा भारी। पश्चिम बंगाल में अमेरिका से लौटे 4 लोगों में BF.7 के मामलों की हुई पुष्टि। आप सरकार ने उपराज्यपाल को संशोधित ऑटो रिक्शा टैक्सी किराए की अधिसूचना के लिए भेजी फाइल। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की आज की शुरुआत शामली से की। मावा मोइत्रा महिला यात्री पर पेशाब करने की सजा 30 दिन। अरनाब से बहस पर 6 माह। मोइत्रा ने कसा तंज। सह यात्री पर पेशाब करने पर आरोपी यात्री पर एयर इंडिया द्वारा मात्र 30 दिन की यात्रा पाबंदी को लेकर TMC सांसद मोइत्रा ने सवाल उठाए हैं। बेरोजगारी शरद पवार बोले लड़कों को बेरोजगारी की वजह से शादी के लिए दुल्हने नहीं मिल रही। यूपी के बांदा में दिल्ली के कंजावला जैसा मामला। ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को 3 किलोमीटर तक घसीटा। आंध्र प्रदेश झारखंड सरकार द्वारा श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले के विरोध में जैन समुदाय के सदस्यों ने विजयवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया।